हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनब। दोस्तों, बायोपिक्स, खासकर स्पोर्ट्स बायोपिक्स, बिल्कुल नहीं चल रहा बॉक्स ऑफिस पर। एक तो पहले आया था अपना रणवीर सिंह का 83, जो बहुत बड़ा एक फिल्म था, लेकिन उतना कुछ खास बिजनेस कर नहीं पाया, फ्लॉप रहा बॉक्स ऑफिस पर, ज्यादा लोग नहीं गए फिल्म देखने के लिए। और अभी जो आया शाबाश मिथु स्टारिंग तापसी पन्नू, वो फिल्म तो यार इट्स एन इवन बिगर फ्लॉप, इट्स अ डिजास्टर, इट्स सिंकिंग विदाउट अ ट्रेस एट द बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या लोगों को स्पोर्ट्स बायोपिक देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या थिएटर में जाके स्पोर्ट्स बायोपिक देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को? क्या यही लोग कहना चाहते हैं? ऑडियंस क्या यही मैसेज दे रहा है फिल्म मेकर्स को? या फिर क्या ये जो बायोपिक्स है, स्पोर्ट्स बायोपिक्स, वो बराबर से बनाया नहीं जा रहा है? क्या उसके वजह से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है? या फिर क्या ट्रेलर प्रॉपर नहीं था, जिसके वजह से कोई मतलब बस क्रिएट नहीं हुआ, लोगों के मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुआ फिल्म के प्रति? या फिर क्या फिल्म में प्रॉपर स्टार नहीं है, कोई बड़ा स्टार नहीं है? क्योंकि क्या होता है, कोई बड़ा सुपरस्टार होता है तो लोग एटलीस्ट वो सुपरस्टार को देखने के लिए जाते हैं, फिल्म को ओपनिंग लगता है। तो क्या ये फिल्म्स जो आया अभी इन द रीसेंट पास्ट, उसमें किस कारण के वजह से वो फिल्म फ्लॉप रहा बॉक्स ऑफिस पर, किस कारण के वजह से वो फिल्म खींच नहीं पाया लोगों को? या फिर लाइक आई सेड द मेन क्वेश्चन एट द बिगनिंग, आर पीपल जस्ट बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बायोपिक? क्या लोग पक गए स्पोर्ट्स बायोपिक देखकर? क्या लोगों को और कोई स्पोर्ट्स बायोपिक देखने का कोई इंटरेस्ट है नहीं? इज दिस वॉट द व्यूअर इज सेइंग? इज दिस वॉट द ऑडियंस इज सेइंग? क्या लगता है दोस्तों आपको? लिखकर बताना, एंड ऑफकोर्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपके पास, वो भी आप दे सकते हो। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।